फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर में। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज हम वीडियो का टॉपिक हमारा कुछ ऐसा है कि बर्ड्स से अलग है वो टॉपिक, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहें, वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना देखें। वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो आज मैं गिनी पिग के बारे में बताऊंगा आपको। गिनी पिग का मैं सेटअप बना रहा हूँ न्यू, एक छोटा सा। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो वो बताऊंगा मैं आपको, वो भी देखते रहना आप। लंबाई चौड़ाई भी इसकी बताऊंगा आपको और आपको दिख रहा होगा ये एक पेयर के लिए बनाया मैंने। ये इसमें दो पेयर भी आराम से रह सकते हैं। मैंने एक पेयर के लिए बनाया क्योंकि एक पेयर ही मैं परचेस कर रहा हूँ, तो एक पेयर के लिए बनाया मैंने। ये देख सकते हो इसकी जो लंबाई है वो 2 फीट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी 2 फीट है। ये इसकी लंबाई जो है 2 फीट रखी है, चौड़ाई जो है और जो गहराई जो रहेगी इस साइड से इसकी है 19 इंच, इधर से और यहाँ तक जो है ये 19 इंच है, 20 भी पूरी नहीं है, 19 इंच है यहाँ से यहाँ तक इसकी। और जो चौड़ाई जो है वो इसकी 2 फीट है। तो एक पेयर गिनी पिग के लिए बहुत ही बढ़िया स्पेस है ये। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बना है ये। सामने से दीवार है और इस साइडों से प्लाई लगा दी है और सामने से प्लाई लगा दी है, तो कूदने उदने का झाड़ कोई नहीं है क्योंकि ऊँची ज़्यादा है प्लाई है। और वैसे भी गिनी पिग जो है कूदते नहीं है वो इधर उधर को। और बाकी ये मेरे बजीज का सेटअप है, वो तो आप लोगों ने देख ही रखा है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैं परचेस करके ले आया हूँ, अगली वीडियो में बनाई है मैंने जो आज। तो ये जो आज की वीडियो है जो मैं परचेस करके ले आया हूँ, और ये जो थी पिछली वीडियो में दिखाई जो सेटअप बनाने की, वो कल की वीडियो थी। तो मैं आज ही परचेस करके ले आया हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कैसे लगे आपको ये गिनी पिग। और कोई अगर इंटरेस्टिंग हो गिनी पिग के बारे में तो मैं इनकी ब्रीड कराऊंगा, मेल फीमेल है, और भी मैं लाऊंगा गिनी पिग, तो मैं इनको सेल भी करूंगा। अगर कोई अगर इंटरेस्टिंग हो तो मुझसे वो कांटेक्ट कर सकता है। और बजरी अगर किसी को लेना हो, बजीज पैरेट, तो भी मैं मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अपना कांटेक्ट नंबर आप मुझे कमेंट में शेयर कर दें, मैं आपको कॉल कर लूँगा, या कमेंट में आप लिख के भेज दें कि हमें बर्ड्स चाहिए। तो बर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं हमारे पास और हम सेल करते हैं बर्ड्स वगैरह। जो पुराने हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा। तो आज के लिए इतनी वीडियो थी, और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे।